जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक कीजिएगा। हम हिंदी का सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, अभी का जो वीडियो है कंबाइंड वीडियो है। वैसे मॉर्निंग में छत्तीसगढ़ का सेपरेट वीडियो अपलोड होती है 8:30 में, और शाम को जीके का वीडियो 4:45 में। तो आप उसे डेली बेस पर अटेंड करें, आपका जीके इम्प्रूव होगा। राइट आंसर रहेगा बी, 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। संस्कृत के शब्दों का ऐसा प्रयोग जो ज्यों का त्यों किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। देखिए, हिंदी का अगर आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपका बेसिक ज्ञान जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर बेसिक वीडियो आप देख सकते हैं हिंदी का, या फिर आप थ्योरी बुक रीड करें, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वही क्वेश्चन आपको याद रहेगा, अगर थोड़ा सा भी डेटा चेंज होता है तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट आंसर रहेगा ए, तत्सम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन रहेगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेखक, पुस्तक, योगी, विद्यालय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपना राइट आंसर टिक करें। डेली बेस पे आपको दोपहर 2 बजे हिंदी का वीडियो आप डेली बेस पे मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, विद्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है, कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। हिंदी का क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा 6वें नंबर का क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, ठीक है। तो आपको राइट आंसर टिक करना है, चीनी है, जापानी है, अंग्रेजी है या तुर्की है, किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन रहेगा ए, चीनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा 7वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन, अपना राइट आंसर टिक करें। अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दिलाते हैं व्यापम PSC, तो उसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है हिंदी का, ठीक है। तो आपको हिंदी में विशेष ध्यान देना होगा। राइट ऑप्शन रहेगा डी, कबड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे किसी प्रांतीय क्षेत्र से लिया शब्द कहलाता है, कोई भी प्रांतीय या स्टेट से जो शब्द लिया रहता है उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। राइट ऑप्शन रहेगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। बरसात है, वर्षा है, हाथी है, आंसू है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, वर्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें नंबर का क्वेश्चन है और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है ये। दशानन किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। राइट ऑप्शन रहेगा बी, योगरू। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है, कौन सा मेला मनाया जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, माँ बम्लेश्वरी मेला, शिवरी नारायण मेला, नारायणपुर मेला या खल्लारी मेला, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, खल्लारी मेला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रथम वर्ड लगा हुआ है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है, पंडित धनेश्वर शर्मा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, विनय कुमार पाठक, श्रीमती पुष्पा तिवारी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, देवी चंद्रहासिनी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, बस्तर में है, रायगढ़ में है, दंतेवाड़ा में है
या जांजगीर चांपा में है, कहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, जांजगीर चांपा। देवी चंद्रहासिनी का प्रसिद्ध मंदिर जांजगीर जिले में है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या असम में। मिनी माता छत्तीसगढ़ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वर्ड लगा हुआ है। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस के कारण क्वेश्चन को पता रहता है पर भी गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को आप लोग दोबारा नहीं पढ़ते, यहाँ पे क्या लिखा है, किसे प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर टिक करें। राइट आंसर है ए, सुंदरी बाई। ठीक है, इसको प्राप्त नहीं है, बाकी जो तीन बचे हुआ है सभी को शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मौर्यकालीन आहत मुद्राएं छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। अगर समय कम लगता है तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, अकलतरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के दौरान किस नेता को अभनपुर में गिरफ्तार कर लिया था? कौन से नेता है आपको ये बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। राइट ऑप्शन रहेगा डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में भारत में सर्वप्रथम कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा हुआ था ये आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह, चुहार विद्रोह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, मुंडा विद्रोह। बहुत प्रसिद्ध विद्रोह ये, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, मड़वा महल शिलालेख किस फनी नागवंशी शासक ने निर्मित करवाया? कौन से शासक है जिनके द्वारा यह महल निर्मित हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। राइट ऑप्शन रहेगा सी, रामचंद्र देव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कांकेर सोमवंशी शासक नहीं है? कौन नहीं है ये आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर टिक करें। सुबह के जो वीडियो अपलोड होती है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में, उसमें हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलता है। अगर 10 क्वेश्चन वीडियो में रहता है तो उसमें आपका ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो उसे अटेंड करना ना भूलें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, जयपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं ये आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। राइट ऑप्शन रहेगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपना राइट आंसर टिक करें। राइट ऑप्शन रहेगा ए, लॉर्ड वेलेजली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वें नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? कौन था ये आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, अपना राइट आंसर टिक करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, थॉमस मुनरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने अपने जीके के वीडियो में कंप्लीट कराया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में पाई जाती है ये आपको बताना है, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो अगर आपको यहाँ पे अनुसूचित जनजाति समझ नहीं आता है तो आप एसटी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसटी की बात की जा रही है, तो कौन से राज्य में ज्यादा पाई जाती है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है।
वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।